विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव। मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था, और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। और ये सिर्फ काशीवासियों के जीवन से जुड़ा नहीं है, देशवासियों से जुड़ा हुआ है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो, कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। तो अपने आप में ये काशी के आत्मा और हमारी व्यवस्थाएं दोनों मिलकर के आगे बढ़ेगी। मैं फिर एक बार बाबा के धाम में, बाबा के चरणों में अपना सर झुका करके काशीवासियों के आशीर्वाद के साथ मैं सबसे पहले उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। ये भारतीय रेलवे है, पहले एक्सेलरेटर नहीं था, दोनों साइड एक्सेलरेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट लग गई है। साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता है। पहली जर्नी है मेरी, इसमें सब कुछ अच्छा है। आज तक एक भी मिनट लेट नहीं हुई है ये ट्रेन, और आज भी ये बिल्कुल अपने राइट टाइम पे आई हुई है। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत सब किए हैं, बहुत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी नेता जी से कोई आज देश में दोबारा कोई आ ही नहीं पाएगा, ना ही कोई कर पाएगा। वो चौकीदार, इतने बड़े चौकीदार सब पूरे देश के लेकर चले, हम लोग क्या है, उन्हीं का दिन है। वो हम लोग के लिए कर रहे हैं तो हम लोग उनके नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। कर्णिका घाट बोले एक बार, स्वच्छ 80 घाट बोले एक बार, गंगा का घाट बोले एक बार, सामने घाट पुल बोले एक बार, अरे बुनकर का दिल बोले एक बार, दुर्गा का कुंड बोले, कबीरा का चौरा बोले, दिल मिला तो टाउन हॉल, मक्खन सा रिंग रोड, विदेशी मेहमान बोले, बच्चा और जवान बोले एक बार, कंटेनर का डेपो बोले, हर सड़ा का प्लांट बोले, स्टेशन की शान बोले एक बार, ट्रेन 18 की आन बोले एक बार, और दिल मिला तो घाट बोले एक बार, और सारनाथ का साथ बोले एक बार, ओ मुद्रा उज्ज्वला बोले, गली गली नुक्कड़ बोले, एक सुर में काशी बोले फिर एक बार, अरे साउथ हिंदुस्तान बोले फिर एक बार। अरे पर क्या बोले भाई साहब, ये भी कोई पूछने की बात है भैया। फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी 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 मोदी। मरवाड़ी लोकमान्य तिलक प्रसाद सिंह से नेपाल संख्या 1 पर खड़ी है। रेलवे स्टेशन की बात है,
वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। ये मंडवाटी का स्टेशन तो बहुत भव्यता इस स्टेशन में है इस समय, और इतना स्पीड से काम हुआ है, बहुत अच्छा है। हर स्टेशन से प्यारा स्टेशन ही है। ये छोटा सा स्टेशन था, उसके बाद पूरी डेवलप हुआ। पहले एक नंबर प्लेटफॉर्म था, उसके बाद 2-3-8 हो गया, बहुत सुंदरीकरण हुआ है। ट्रेनें बढ़ने वाली हैं, बाकी और भी व्यवस्थाएं हैं कई तरीके का, मतलब बाहर की जितनी भी ट्रेनें हैं, मुंबई देखिए, पुणे देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, सभी जगह ट्रेन आती जाती हैं। अगर कोई लिख कर मांगे तो उसको लिख कर देंगे। हर खुशी ना गिन गिन कर बांटे हैं एक एक लोग को मोदी जी ने। गरीबों के आशीर्वाद से ही आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। माँ भारती की आरती मेरे कर्मों को है सवारती, जन जन की ताकत ही तो मेरे कर्मों को है निखारती, कर्म ही है धर्म मेरा। मोदी जी बनारस से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। ऐसी बातें हम देख रहे हैं कि इस सरकार के आने की वजह से हमें काफी चीजों से लाभ मिला है, काफी चीजों का लाभ मिला है। घाट बदला गया, सफाई बदला, सफाई हो गया, जब से वो यहाँ के नेता मतलब बने थे प्रधानमंत्री, हम लोग इस बार यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग के लिए कर चुके हैं इतना। इतनी फैसिलिटी यहाँ पे भी नहीं थी, इसी घाट पे यहाँ पे भी वो, हम लोग भी पहले यहाँ आते थे, पहले यहाँ पे आने से पहले इतना मतलब कि सब लोग ऐसे नाक बंद करके हम आते थे, ऐसे लोग खुल के बैठे थे सफाई से, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से ये सब है। साफ सफाई की मैंने बात की, साफ सफाई काफी बेहतर है। अभी तो मोदी जी अच्छा काम किए हैं, इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम किए हैं, भाई ओवर ब्रिज बहुत बनवाए हैं, साफ सफाई पे बहुत ध्यान रखे हैं, लाइट बत्ती पे ध्यान रखे हैं। वाराणसी 5 years चेंजेस आया है वाराणसी में, और ये जो आप घाट देख रहे हैं ना, ये पहले बहुत अच्छा नहीं था, बहुत कम लोग आते थे, लोग इसको जानते भी नहीं थे। जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं तब से ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, आप देख ही रहे हैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। देखिए उनसे तो उम्मीद बहुत चीज़ों की है, वो हालांकि उम्मीद तो खड़े भी होंगे, इस बार पहले भी थे, इस बार नहीं है, तो हमें सही है। मोदी सरकार जो है हमेशा रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोखे पट्टी दिए समाजेर की हाल, मानुष एखन अमानुषे जड़िए जाबार ताल, বাংলা এখন চিনবে আবার এবার তোরা থাম, বঙ্গবাসীর মুখে মুখে জয় শ্রী রাম।
মুখে মুখে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় রাম রাম জয় রাম রাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় রাম রাম জয় রাম রাম জয় শ্রীরাম সারে বলছে একই নাম বঙ্গবাসীর মুখে মুখে জয় শ্রীরাম 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 জয় 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 শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় 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 শ্রীরাম वही हमारी बहन बेटियां हम उन पे भरोसा करें उनको अवसर दें उनके लिए जितनी शिक्षा की सुविधा बढ़ाएं हम बढ़ाएं उसके लिए प्रयास हम लोगों जो महिलाएं घर में बैठ के मतलब कुछ भी नहीं कर सकती थी उन्हें घर से बाहर निकलने की भी मतलब छूट नहीं था अब उनकी वजह से हम लोग घर में बैठ के भी मतलब सीख भी सकते हैं और मतलब सिखा भी सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं अगर मान लीजिए लाइफ टाइम में कुछ ना मिले तो ये अगर मेरे पास जानकारी रहेगी तो मैं भी अपना एक छोटा सा लघु उद्योग डाल के अपना खुद कर सकती हूँ तीन चार लोगों को सहयोग भी दे सकती हूँ मान के चलिए घर में एक महिला भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है जी हमारे नेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लाया और जिससे कि महिला आत्मनिर्भर बन सके अपने घर में आर्थिक मदद कर सके सभी का भला कर रहे हैं लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ किए हैं देश के लिए बहुत कुछ किए हैं फिर एक बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं